वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको ये बताया जाता है कि अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी कभी यू है और थोड़ी देर में बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, अपने आप तो हुई नहीं होगी, कोई बॉल जा रही है या ब्लॉक जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप चेंज नहीं होती, क्या किया होगा आपने, अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई होगी, कुछ तो फोर्स लगाई तभी इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन हुई, एक्सेलरेशन हुई तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये सिचुएशन है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुई या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुई, जो भी हुआ, मान लो इंक्रीज हो गई, वो अपने आप नहीं हुई, आपने क्या किया होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो जो आपने वर्क डन किया वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको दिखेगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है पहले, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स, अंडरलाइन करो, वर्क डन बाय फोर्स नहीं है, वर्क डन बाय नेट फोर्स। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। राइट, क्लियर है यहां तक? तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने एफ फोर्स लगाई और बॉडी की वेलोसिटी यू से भी हो गई, तो आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या किया, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस कॉस जीरो, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी वाली सेम। तो इसके अंदर फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाय डीटी। इस फोर्स को उठा के यहां पे पुट किया तो ये टर्म आ गई, डीएस बाय डीटी क्या होता है, वेलोसिटी वी। अब लिमिट चेंज है, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में लिमिट थी जीरो से वी, इसमें के अंदर क्या है, यू से वी, जीरो से डब्ल्यू, यू से वी। तो इसके अंदर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी स्क्वायर बाय टू यू से वी। तो एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई और इसे ओपन करेंगे तो ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये आपने करना है तो ये प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल सेम काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ और वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेट एंड प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट भी मार्क करें।